तो गाइस मुझे लगता है कि मुझे अपना चैनल बंद करना चाहिए। चाय डालो मैडम, चाय, गरम गरम चाय। चाय में क्या है? बिस्किट बटर। हाँ बिस्किट बटर। ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है। अरे चाय, चाय की बात कर रहा हूँ मैं। चाय कुछ ज्यादा ही खूबसूरत लग रही है, देखो एकदम मस्त बढ़िया वाली चाय। नाइस, जल्दी दो विद बटर। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो लॉकडाउन ऐसे तैसे करके, वैसे वैसे करके, कैसे कैसे करके जा रहा है। सुबह सुबह लेट उठने का, रात को लेट सोने का, खाने का टाइमिंग पता नहीं, मतलब सब चीज़ों का सत्यानाश हो चुका है। अब ऑलमोस्ट वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, जब सोचो कि जब ऑफिस जाने का टाइम आएगा तो कैसा लगेगा। अब ये वर्क फ्रॉम होम का जो चस्का है, जो थोड़ा थोड़ा लग रहा है ये, और अगर अचानक वापस से ऑफिस जाने का दिन आ गया, वो तो आएगा ही, आज नहीं तो कल। अभी 15 तारीख तक किया है, तो उसके बाद पता नहीं, मुझे लगता है मई तक जाएगा, मई एंड तक जाएगा, जून 1 से। तो बहुत ही अजीब और गरीब फीलिंग होगी ऑफिस जाने की। अभी तक सुबह उठने के लिए रोना आएगा, डब्बा बनाने के लिए। उनको मेरे को नहीं, हमको तो, अपने को तो काम धंधे वाले लोग हैं, अपने को तो जाना ही है, कुछ भी हो जाए, कैसी भी परिस्थिति हो। 5 मिनट टाइम देख देख के सोता है और बोलते मैं तो उठता हूँ। काम पे जाते कि नहीं टाइम पे, अपन अपने को मालूम है अपना गाड़ी कितने देर में ऑफिस पहुंचेगी। कितने वही ना, ऐसे उठते ना, हो हमारा हेडेक नहीं है वो। तुम्हारा जो काम है वो करो, कुछ भी बोलो, तुम्हारा जो काम है वो करो, हमारा काम हमको मत सिखाओ। टिफिन देती हूं हमको, हमारा काम मत सिखाओ, हमको मालूम है कैसा टिफिन देते हो कैसे नहीं देते, हमको सब मालूम है, सब मालूम है। देखो ये डिस्कस यहाँ खत्म नहीं होने वाला है, ये लोग कभी सुधरने वाले नहीं, या कभी अपना गलती मानेंगे नहीं, अपनी गलती मानेंगे नहीं, तो ये बहस ऐसे चलते रहेगी। तो आपके घर में भी ये ऐसे लोग होंगे, ऐसा मतलब कैसे? चलो बाय बाय। कसम से यार कंटाल के लिए क्या करने का। जिनको आदत नहीं है वर्क फ्रॉम होम की, उनके लिए तो सही में डिफिकल्ट है बहुत, बस दिन निकल रहे। स्टोरी है ठीक है ना, तो स्टोरी को ऐसे यश वॉल हैप्पी मदर ऐसा नहीं पढ़ते, एकदम प्रॉपर तरीके से पढ़ने का। यश वॉज हैप्पी, हिज मदर ब्रॉट हिम ए न्यू शूज, ठीक है। ही वेक अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ही वेंट आउट टू लुक एट हिज न्यू शूज। अटक अटक के नहीं पढ़ने का, जब पढ़ेगी ना पहले दो पहला लाइन का सेंटेंस पूरा अच्छे से क्लियर करने का, तो जब वो पढ़ेगा तब तेको याद रहेगा, समझा? थैंक गॉड शी सेड। अभी पूरा एक साथ बट थैंक गॉड शी सेड। ऐसे टी शर्ट पे क्या लिखा है दिखा, स्ट्रेट खड़े रहे अच्छे से, हाथ नीचे रख। स्टाइल फैशन गर्ल, आता मी पण डिमांडला गेलो, कधी बाहेर दिवर गेलो तो चालू आहे थोडंफार। तो हम जा रहे हैं सामान लेने, इनको लेना है डायपर का पैकेट, तेरी तो नॉनसेंस। लॉकडाउन में पहली बार निकले बाहर फोर व्हीलर में। अपना समोसा स्पॉट आ गया, आने है क्या? चालू, हाँ चालू है, लेने अभी लेने गए, ये लेने गए क्या अभी? नहीं भाई, मैं तो नाश्ता करके आता हूँ, नाश्ता कर देंगे जाते टाइम पे देखते। तो डीमार्ट बंद है, आए थे डीमार्ट में बट अनफॉर्चुनेटली बंद है ना।
सुबह मॉर्निंग 7 से 10 मॉर्निंग 7 से 10 तो आना है तो सिर्फ सुबह आ सकते। चलो तो ये चावल की बोनी समझे नहीं घेतले। हमाल को देखो हमारे Come on, you can do it. वजन कम हो जाएगा जल्दी तेरा। तो गाइस मुझे लगता है कि मुझे अपना चैनल बंद करना चाहिए क्योंकि वो रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है जो चाहिए आपसे। सॉरी। तो बेसिकली बहुत दुख होता है जब आप बहुत मेहनत कर रहे हो, आप बहुत नई नई चीज़ें ट्राई कर रहे हो बट आपको रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तो कहीं ना कहीं एक जो उम्मीद होती है वो टूटती है। तो मैंने भी जब चैनल स्टार्ट किया था, अब मुझे ऑलमोस्ट 6 मंथ्स हो गए चैनल स्टार्ट करके, ऑलमोस्ट 33 वीडियोस मैंने डाला है बट वो वाला रेस्पॉन्स नहीं मिल रहा है गाइस जो चाहिए अपने को। बट आई एम क्वाइट हैप्पी कि ठीक है, नहीं मिल रहा तो नहीं मिल रहा, क्या करेंगे अभी। बट कब तक चलेगा ऐसे, आई डोंट नो। तो आपको क्या लगता है, मुझे चैनल बंद करना चाहिए? क्योंकि अभी तक तो मुझे ऐसे ही लग रहा है। कमेंट करो। तो लोग ज़्यादातर पूरी वीडियो देखते नहीं है, स्किप कर देते हैं, तो इस वजह से उसका पूरा व्यू नहीं आता है। और YouTube के भी बहुत सारे गाइडलाइंस है जिसको क्रॉस करना ज़रूरी है। कबूतर तो सब खा रहा है इधर, अच्छा उसके ऊपर डाल रहा है। किधर है तू, टेरेस पे? तो इतनी गर्मी में ऐसे ठंडी ठंडी चीज़ें मिल जाए तो मज़ा आ जाए। बेसिकली बहुत लोग अप्रिशिएट करते हैं मुझे बट लोग कंटिन्यू ब्लॉग्स देखते नहीं, उन लोगों को समझ में भी नहीं आता ये क्या है करके। अभी धीरे धीरे हो रहा है ग्रोथ। आई होप सो कि वैसे बाय द वे बता दूं, मैं चैनल बंद नहीं कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि सभी लोग ब्लॉग देखें, अगर आपको अच्छा लगता है तो देखें, और अगर आपको कुछ चीज़ें अगर उसमें ब्लॉग में समझ में नहीं आती या पसंद नहीं आता तो आप कमेंट कर भी कर सकते हैं, कमेंट कीजिए। मुझे भी पता चलेगा कि मुझे क्या करना चाहिए, क्या बेटर करना चाहिए। पहले तो मैं फिर भी वीकली ब्लॉग करता था, अब तो मैं डेली कर रहा हूँ घर पर डेली कर रहा हूँ, तो फैमिली भी इंक्लूड हो रही है, फैमिली भी मजे कर रही है, चैलेंजेस ब्लॉग्स भी कर रहा हूँ। अब नहीं तो आमो भी कर रहे हैं हमारे साथ में चैलेंजेस ब्लॉग्स ना। हम अपन चैनल बंद करते हैं, ये चैनल बंद कर देते हैं। नहीं ना, तो फिर सबको बोलना, सब लोग लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और वीडियो स्टार्ट टू एंड तक देखो, वीडियो स्टार्ट टू एंड देखो। क्योंकि क्या है, यूट्यूब के भी बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके उस क्राइटेरिया में जब तक अब हमारी चैनल बैठेगी नहीं तब तक चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, कम से कम 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 वॉच टाइम, ये सब सारी चीज़ें हैं जो पूरी करनी है तब जाके यूट्यूब में जो हमारी चैनल है वो मोनेटाइज होगी, उसके बाद रिकॉग्नाइज होगा। पेपर भी है, तो हम लोग अभी फिलहाल हैंग आउट कर रहे हैं ऊपर, ये रोज का टाइम हो चुका है अभी 5:30-6 बजे आने का। थोड़ा बहुत सैड हो जाता हूँ कि मैं देखता हूँ यार वीडियो में व्यूज नहीं आ रहे या लाइक्स नहीं आ रहे, तो ऐसे कुछ लोग होते हैं जो सब्सक्राइबर्स हैं, ऐसे जो लोग कमेंट करते हैं, बहुत अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं, तो वहाँ से फिर मैं वापस
बस बूस्ट ऑफ हो जाता हूँ, मुझे बहुत मज़ा आता है, अच्छा लगता है ऐसे कमेंट्स। तो आप लोग इसके लिए बोलता हूँ कि आप लोग कमेंट कीजिए, आपके कमेंट्स जो होते हैं ना वो हमें वापस से काम करने के लिए मजबूर करता है, वापस से रीबूट करता है हमको। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि जो आपके कमेंट्स होते हैं वो इतने वैल्यूएबल होते हैं कि उससे हम लोग बूस्ट अप हो जाते हैं। जैसे मैंने अभी कल एक वीडियो डाला था मैंने वाटरमेलन चैलेंज का, तो उसके बाद बहुत लोगों के अच्छे अच्छे मैसेज, अच्छे अच्छे कमेंट्स आए, तो अच्छा लगता है, उससे वापस से दूसरे दिन वापस व्लॉग बनाने का इच्छा होता है। तो मेरा ऐसा कोई प्लान नहीं है चैनल बंद करने का। जब मैंने चैनल स्टार्ट करने का सोचा था तो बहुत टाइम लिया था मैंने चैनल स्टार्ट करने के लिए। तो फाइनली जब मैंने पहला वीडियो अम्बू के साथ स्टार्ट किया था, तो उसके बाद से आज तक 33 वीडियोस हो गए। मुझे भी बिलीव नहीं होता कि 33 वीडियोस मैंने डाले अभी तक मेरे चैनल पे, और क्वाइट रिस्पॉन्स है, मतलब कुछ कम नहीं है ज़्यादा नहीं है, ठीक है। मुझे ऐसा लगता है कि मैंने मोस्ट ऑफ़ द जो क्रिएटिव यूट्यूबर्स के चैनल्स देखे हैं मैंने, तो अगर जिनके 1 मिलियन भी अगर सब्सक्राइबर्स है तो भी उनके मतलब देखा जाएगा तो लाइक्स उतने नहीं होते, व्यूज़ उतने नहीं होते, वही 30,000-40,000। अगर कोई वीडियो ज़्यादा अच्छा रहा तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज। तो अभी तो कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है यूट्यूब से, फिलहाल यूट्यूब से कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, बस खाली करते जाना है, वीडियो डालते जाना है, जब भी जो आना है वो आएगा, जब भी जो होना है वो होगा। तो बस यही था, तो कोई चैनल बंद नहीं कर रहा हूँ मैं, चैनल चलेगा, भले लाइक्स आए, व्यूज़ आए, नहीं आए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मैंने कहा, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है। तो बेसिकली ये सब मैं अपने खुद की खुशी के लिए कर रहा हूँ, मुझे अच्छा लग रहा है ये सब करने में, मुझे मज़ा आ रहा है काम करने में, थोड़ा टाइम मिल जाता है जिस बीच में, मैं थोड़ा सीखने मिल जाता है, थोड़ा बहुत एडिटिंग करने मिल जाता है, मुझे बहुत टाइम से एडिटिंग सीखना था, तो इसी बहाने थोड़ा वो भी हो जाता है मेरा काम। और मैं खुद एक ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो इसमें मुझे कोई ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगता, और मुझे वीडियो वगैरह बनाना पसंद है, तो मुझे आइडियाज़ भी है, उतना नहीं है बट है, ठीक है, धीरे धीरे सीख रहा हूँ, आगे जाके थोड़ा और अपग्रेड करेंगे अपने आप को धीरे धीरे जितना ज़्यादा हो सके। तो बस मेरा आपसे खाली यही रिक्वेस्ट है कि वीडियो पूरा देखें, अगर आपको अच्छा लगे, नहीं अच्छा लगे तो कमेंट कीजिए क्या अच्छा नहीं लगा, बाकी तो सब ठीक। बाकी अभी मैं और अम्मू यहाँ पे हम लोग हैंग आउट करने हैं। अम्मू क्या कर रही है, क्या कर रही है? तो बाकी हमारे जो सारे जो बिल्डिंग के फ्रेंड्स है वो लोग हाउसी, तो ये सब लोग अभी यहाँ पे हाउसी खेल रहे हैं। कौन खाने वाला? क्रो थोड़ी आ रहा है इधर, तो पिजन्स आ रहे सब, और अपन आया करके सब भाग गए, अपन उधर जाते हैं, वो पिजन आएंगे सब वापस से। देख सब पिजन आके, देख उधर ऊपर जाके बैठ गए, देख टाकी पे, तो देख दिख रहा उधर। गाइस तो ये ब्लॉग को यहीं पे साइन ऑफ करते हैं। हमो आजा, बाय बाय बोलते सबको, आजा, सो सी योर नेक्स्ट व्लॉग, तब तक के लिए बाय बाय।